के लेके जावे मिठीक भी है। जिस किसी ने वीजा लगवाना है किसी ने जाना तो है तो वो इधर आता था। हाँ। साल का भी काम है तो आंटी इतना खाना शाना कैसे आप बनाती थी? ड्रेस तो मैंने आज आपको दिखाया ही नहीं, हालांकि घूम फिर के बहुत सारी जगहों से वापस आ गई हूँ। ड्रेस है मेरा सैमीज बाय नबीला का। चाय खाना आई हूँ, ये पीछे सारा को चाय खाना का। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड आई है जो कि वीडियो में नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से ना मुझे वो बच्चियाँ जो वैसे मुझे इतना कुछ ख़ास कुकिंग आती भी नहीं और मतलब आती है मगर इतनी ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, और हर बंदा जो है ना वो हर खाना बहुत अच्छा नहीं बनाता। कुछ कुछ चीज़ें उसकी मशहूर होती हैं या लोगों को पसंद आती हैं, उसे खुद पता होता है कि मैं ये अच्छा बनाती हूँ। तो जो बच्चियाँ मुझे फॉलो कर रही हैं उनके लिए मैं आज बना रही हूँ, कि वो बहुत मुझे कह रही थी कि इतने दिन से आपने कोई रेसिपी है किचन में नहीं आपने कुछ बताया। मैं क्रीमी वाइट क्रीमी पास्ता चिकन पास्ता बना रही हूँ, और इसमें मैंने ना थोड़ा सा लिया है मक्खन, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को उसमें मैंने ये देखेंगे किया है, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। और आप एक मग में रखा है मैंने थोड़ा सा चिकन स्टॉक, और उसमें मैं बाकी का सोया सॉस सॉस और विनेगर डालूंगी और फिर हम बनाएंगे। मैक्रोनीज लिए हैं मैंने एल्बो शेप वाली जो होती है वो, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन। नहीं चिकन नहीं। अच्छा मैं क्योंकि खुद बना रही हूँ ना तो मैं इसमें अंदर चिकन थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रखती हूँ कि मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे इसमें हाफ क्वान्टिटी ली कि मैंने हाफ के जी चिकन लिया है इसमें, और जो मक्खन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बाय द वे, तो ये मैंने इसके साथ हरी मिर्चों लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। ये है ग्रीन चिलीज, वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मज़े के लगता है, मुझे पसंद भी है। हाँ इसमें मैं थोड़ी इसकी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस थोड़ा सा डालना है क्योंकि मैंने अलग से भी इसकी सॉस में भी डालना है इस वजह से, और थोड़ा सा बिल्कुल हॉट सॉस। ठीक है थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसको 2 मिनट के लिए आपने दम पे रखना है, और मेन वाइल आपने इसमें ये मैंने ग्लास लिया इसमें मैंने ये ठीक है, अगर नहीं है तो एक अनार क्यूब को आपने ना पानी में इसका डिजॉल्व कर लेना है गर्म पानी में, और इसमें फिर आप थोड़ी सी हॉट सॉस थोड़ी सी सोया सॉस मिला रही। ठीक है ये एक बन जाएगा सूप सा। मैं इसमें कोई कॉर्नफ्लावर कोई इस तरह की चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लाइट सा बन रहा है और आपका के लिए अच्छा है, रात को ना खाएं आप रोटी चावल ना लें और ये आप इस तरह बना लें। अच्छा ये हो गया, इसको करके ना ये हमने बॉयल कर लिया है जी मैक्रोनीज, मैक्रोनीज़ बॉयल करके रखी हुई है। प्लीज़ इसकी कोई डिश भी निकाल दो अच्छी सी मुझे खाने के लिए। अच्छा पता जो चिकन बोनलेस होता है ना जो चेस्ट पीस होता है जो आपके एन एन का या इस तरह नहीं, वो तो आपका बिल्कुल नरम होता है, लेकिन अगर आप जिस तरह ज़बह करवा के चिकन वाला या वो वाला लेकर आते हैं तो उसका ज़रा चिकन डिफरेंट होता है, टाइमिंग दोनों के डिफरेंट होते हैं। तो एक और मुझे जो बोनलेस है ना वो लेग पीसेस का या थाइस का वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यूजुअली ऐसा भी करती हूँ कि मैं मुझे चेस्ट पीस और दूसरे वाला बाकी चिकन जो है वो थाई पीसेस और लेग पीस वो भी अगर आप बोनलेस करा के मिक्स करके रख लें वो भी मिक्स वाले से बनाए वो भी अच्छा बनता है, लेकिन ये जो होता है जो चेस्ट पीस मिलता है या आसानी से मिल जाता है और
कुकिंग टाइम भी इसका बहुत जल्दी होता है, जितना अगर ज़्यादा इसको पकाएंगे तो सख्त हो जाता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि जो मैं क्योंकि कनौर क्यूब इसमें डाल रही हूँ, इस वक्त कनौर क्यूब में वैसे ही नमक होता है, तो इसकी मैं खाली इसमें भी एक चुटकी नमक ही डाल दूँ। और आपको वैसे भी पता है अब तक कि मैं नमक बहुत ही कम डालती हूँ खाने में, कम लेती हूँ, तो इस वजह से ना मैं कम ही डाल दूँ। आप लोग नमक के बारे में तो हमेशा से मशहूर है, हंसते जायका है ना मेरी, वैसे इनका भी मेरे हिसाब से बन गया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं नमक डाल दूँगा तुम्हारे लिए। अब मैं इसकी अच्छी सॉस बनाई है ना, जो डालना है क्रीम चम्मच में डाल रही हूँ इसमें क्रीम चीज का भर के, मुझे जिसमें क्रीम डाल दो और मिक्स हर्ब्स डाल दूँ इसमें मैं। ये बड़ी कुल कायनात आजकल होती है, जब मैं इधर बैठती हूँ नेटफ्लिक्स पे एक दो मूवीज अच्छी आई हुई है, मूवीज का भी सब कह रहे थे, एनिमल का तो मैं क्या ही रिव्यू दूँ, मैं नहीं कुछ दे सकती। अभी तक मेरी फेवरेट है 12th फेल, उसके अलावा मैंने एक दो और मूवीज देखी हैं जो कि मैं नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और टाइम गुजर जाता है, अच्छी बात है, आप अगर देख सकें तो देख लें, घर में भी दिल लगाना चाहिए, मज़ा आता है टीवी ड्रामे वगैरह और इस तरह देखें, और स्पेशली ये कि बॉन्डिंग होती है। तो लियानवीत ला दो एक और फंटा रहे, तो हर प्रोफेशन में हर जगह पर इंसान को जो भी आप काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। एक कल मैं टॉपिक देख रही थी, एक बहुत अच्छा टॉपिक किसी ने शेयर किया हुआ था, मैंने उसकी बातें सुनी, हाउ टू डील विद इंसल्ट्स, कि आपके साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको फील होता है कि आपकी इंसल्ट हो गई है, तो वो उनका लेक्चर मैंने सुना, उसके बारे में भी मैं किसी टाइम बात करूँगी। नहीं था कोई पब्लिकली आपको कुछ कह देता है, या आपको क्लास में स्टूडेंट्स को टीचर्स किसी बात ऐसी इंसल्टिंग लग जाती है, या महफिल में बैठे हुए या कुछ, तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़रा शैटर हो जाता है। उसमें आपको खुद से अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, खुद से ही आपको उठना पड़ता है, और अपनी एक चीज़ में अगर आप वीक हैं तो कोई दूसरी चीज़ आपकी होगी जो स्ट्रांग होगी, उसको लेके आपने चलना होता है। और अगर आपके इर्द गिर्द आप पॉजिटिव लोग हैं, जैसे आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली अगर कोई बच्चा आपका ऐसा फील कर रहा है कि क्लास में किसी और बच्चे ने या टीचर की तरफ से उसको ऐसा फील हुआ है, तो एज़ पेरेंट्स आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को ठीक करें, उस बच्चे से कम्युनिकेट करें। एक चीज़ मुझे बहुत लगती थी कि जिस तरह मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद करती थी ना, तो पिक एंड ड्रॉप वाला स्कूल से पिक करने वाला टाइम मेरा ऐसा होता था कि जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं ना, तो कार में बैठते ही उनको फौरन जो भी कोई बात स्कूल में हुई होती थी ऐसी, या किसी बात से उनको बुरा फील हुआ हुआ है या कुछ हुआ हुआ है, तो फौरन मुझे बताते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको उधर ही इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको डील आप अपने बच्चे से ही डायरेक्टली कर सकते हैं, उसी के बिहेवियर को ठीक करके आप उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। एक और बात ये भी है कि आप खुद अपने बारे में सोचें कि बहुत साल पहले आपके साथ स्कूल कॉलेज में अगर कुछ हुआ था बुरा, या कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, तो आज आपका उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ नहीं है इम्पोर्टेंस, वो चीज़ ख़त्म हो गई अगर ही।
तो ये भी मुझे फील हो रहा था कि मुझे किसी ने लिखा हुआ कि आप ड्रामे वगैरह देखती हैं और बताती हैं कि अच्छा टाइम पार गुजरता है और आपको रिलैक्स होता है माइंड आप देखा करें, तो घर में और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो रही होती हैं, तो मैं उनके लिए रिप्लाई कर रही हूँ कि बेशक आप टीवी ड्रामा या वो सब कुछ भी देखें, लेकिन घर में आपके बच्चों की क्या सिचुएशन है, हस्बैंड की, आपकी खुद कौन क्या सिचुएशन है, वो तो इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपका अपना दिमाग रिलैक्स हो और आप खुद जब सुकून से होंगे और आपकी चीज़ें बहुत सारी ऑर्गेनाइज होंगी तभी आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि जहाज़ में कहा जाता है कि पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे की हेल्प करें। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, शक्ल भी बहुत अच्छी है। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ क्रीमी पास्ता, चिकन पास्ता, और मुझे तो हमेशा से पता है ये मेरा अच्छा ही बनता है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो आप लोग भी अब आप ट्राई करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी वाला ये कैसा लगा। मैं अपने मामू के घर आज दोबारा आई हूँ और मुझे एक वैसे भूल गई थी वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने कहा बना लूँ, एक क्वेश्चन देखा था फिर याद आ गया सारा। आंटी वैसे आज सुबह ही मुझे मेरी मामी याद आ रही थी, आंटी नाराज़ हुई हैं, कहती हैं मैं कोई नहीं याद आती, लेकिन आंटी वाकई आ रही थी। तो सबसे पहले जिधर पुराना घर था ना, पहले मेरे जहन में वो आता है फिर ये आता है, हालांकि इस घर में भी शिफ्ट हुए 25 साल हो गए, बचपन उधर गुजरा है। हाँ जी, तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये मैं आंटी को देख रही थी, पुराना ये ना आंटी 89-88 में शायद बनवाए थे ना, वहाँ से कामरा से एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, इतनी प्यारी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। हाँ हमारे घर भी थे ये क्वेश्चन इस तरह के। अच्छा जो सब लोग ऐसे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो पहले वाले को तो सबको पता है कि आंटी है मेरी मामी, मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड भी हैं और दोस्त भी हैं, और हमारे लिए यही घर है जो बड़ा बड़े लोगों का घर है। मुझे तो उससे प्यार रहा। अच्छा ठीक है, तो लेकिन यह है कि यही घर है जिधर से अम्मी की शादी हुई थी, मतलब घर वो नहीं है लेकिन आंटी वाला है। इधर ही घर इतना बड़ा नहीं होता था लेकिन आंटी का दिल ज्यादा बड़ा था, हम लोग सब इधर ही इकट्ठे होते थे और इधर ही आते थे। तो बचपन में मतलब मुझे लगता है कि इतने ज्यादा लोग वो उस घर में होते थे, इतने ज्यादा माशाल्लाह, मतलब मेरे नाना भी इधर ही आके, आंटी बहुत रहते थे ना, लाला जी भी आपके पास आके बहुत सब रहे, उनका पूरा गांव रहा। हाँ। मैंने तो अब सोचती हूँ कि कितनी हिम्मत थी इधर जेल है। हाँ अच्छा, वही चाय के कप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आंटी क्या थैंक यू, ये आंटी का बहुत प्यारा चाय का कप, मुझे अभी तक आंटी के सारे बर्तन याद हैं, सारे के सारे, आंटी के शामी कबाब, ये मेरी मामी कहते आंटी है लेकिन है मामी। मेरी संभाल थी पता नहीं क्यों थी, कैसा उस वक्त थोड़ा था या क्या। हाँ आंटी कह रही है चीजें बहुत संभाल नहीं होने देती आप ना। हाँ आप भी जाया नहीं देती। हाँ वो भी आदत है। हाँ अच्छी बात है आंटी, मेरी भी वही आदत है, मैं भी चीजें संभालती हूँ। आप ज्यादा संभालती हैं। देखो आज की बात आपको बताती हूँ। हाँ। कि साग पका जी, बात हो गई कि अब साग आगे नहीं हमने पकाना। क्यों बेटे बड़ी मेहनत है, आगे नहीं पकाना मतलब सारी जिंदगी नहीं बनाना। नहीं नहीं क्या इस सर्दी का। अच्छा इस सर्दी में। हाँ। अच्छा जिस किसी ने वीजा लगवाना है, किसी ने जाना तो है, वो इधर आता था। तो आंटी इतना खाना शाना कैसे आप बनाती थी, खाना वाना कैसे बनाती थी इतना ज्यादा। यही तो मैं अब अपने लिए खुद सोचती हूँ, क्या मशीन थी, कैसे मैंने किया। आंटी बनाती थी मुझे याद है सारा, और आंटी इतने मजे का आपका खाना होता था। मैं क्या है इन खोल के देख के लेके जावे, मैं ठीक भी है आंटी। ठीक होगा, आपके हाथ का कैसे खराब हो सकता है, हो भी सकता है। हाँ ये तो मेरे मजे बड़ी दिनों से पड़ा हुआ। हाँ
मामी के घर से मैं अचार लेके निकली हूँ, बहुत अच्छा आंटी का अचार। आंटी का वैसे खाना सारा ही बहुत अच्छा मज़े का बनाती हैं आंटी, तो वो मैंने इनको अचार की रिक्वेस्ट की हुई थी, वो लेके जा रही हूँ। और अभी जाना है मैंने अपनी फ्रेंड सायरा के पास आ चाय खाना में ना। ट्यूसडे को मैंने पहले भी बताया था चाय फ्री होती है लेडीज़ के लिए, तो वो इतना महंगी तो चाय खाना में वैसे भी नहीं होती, लेकिन मज़ा आता है जब वो फ्री होती है। तो हम लोग अक्सर कोई मिलना हो फ्रेंड्स वगैरह ने कुछ, तो हम लोग चाय खाना चले जाते हैं। तो अभी मैं उधर जा रही हूँ, उस वहाँ पे देखें थोड़ी बहुत मौका मिला तो कुछ रिकॉर्ड करूँगी। ड्रेस अभी तक नहीं है आपको दिखाया मैंने, सैमी बाय नबीला का ड्रेस है, और ये मैं भी आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। चाय खाना आई हूँ, ये पीछे सारा को चाय खाना का, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड आई है जो कि वीडियो में नहीं आ सकती, लेकिन आज मैं इसके साथ बहुत दिन के बाद आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मिलके। कि पार्टीशन चाय खाना की मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब कोजी सी वाइब देती है। और ये ठीक है, बहुत सारे लैम्प, इंटीरियर तो दिखाना होता है मैंने थोड़ा बहुत आपको। ये है वो पार्टीशन जो वहाँ से आप देख रहे हैं, और ये है व्यू बाहर का। सबसे पहले हम लोगों ने थाल ऑर्डर किया, ये मिक्स प्लेटर है इनका, और साथ हमारी चाय इज प्योर हैप्पीनेस। ड्रेस तो मैंने आज आपको दिखाया ही नहीं, हालांकि घूम फिर के बहुत सारी जगहों से वापस आ गई हूँ। ड्रेस है मेरा सैमीज बाय नबीला का, और बहुत स्मार्ट, और वो सारी बच्चियाँ जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटी या कहीं और कॉलेज वगैरह जाने के लिए थोड़ा सा स्टाइल करना चाह रही हैं, मॉडर्न करते हैं इसका। और मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे से शर्ट लंबी है और आगे से शॉर्ट है, फ्रंट ओपन है, और स्लीव्स इसके वही बहुत डिटेल्ड हैं बाजू। तो इस शर्ट की प्राइस भी आप इसकी पिक्चर मेरी लेके आप नबीला से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और चेक कर लें। अच्छा जी, आज दो चीज़ें दिखानी है, एक तो वो जो मैं अपनी मामी के घर से अचार लेके आई हूँ वो आपको दिखाने लगी हूँ, और मेरा ड्रेस आ गया है। ड्रेस मेरा ये आया है, और कहाँ से आया है, और साथ चूड़ियाँ भी आई हैं, कहाँ से आई ये मैं कल दिखाऊँगी कल वाले ब्लॉग में, आज मैं आपको सिर्फ अचार दिखा रही हूँ। आना अच्छा, अच्छा जी, इतने मजे का अचार, नवीद गीला तो नहीं है ना चम्मच? नहीं, अचार बिल्कुल तबाह हो जाता है गीला चम्मच। मम्मी हमारी बड़ी सख्ती करती होती थी अचार से दूर रहो, गीला चम्मच ना डालना। इसमें लहसुन का अचार भी है, लीमू का अचार है, ये है आम का अचार है, और ये मेरे मामू के घर से आया है। और इसमें ना अचार में सबसे बड़ी बात है, एक तो मज़े का बहुत है, सबसे अच्छी बात यह कि इसमें थोड़ा थोड़ा अम्मी का टच आ रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना मेरी इन्हीं मामी के पास, मेरी मामियों के पास रहती थी, दोनों मामू के घर रहती थी। तो मेरी अम्मी का ने पहले भी आपको बताया था, मेरे मामू वगैरह से ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो मेरी ये जो मामियाँ हैं, बड़ी मामी मेरी जो है, उन्होंने ही मेरी अम्मी को पाला था, और ये वाली जो मेरी मामी है मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड होती थी, तो इससे इनके हाथ में वही टेस्ट है जो अम्मी के अचार का था। तो अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में वैसे भी थोड़ा सा इस तरह का चटपटा या अचार का दिल चाहता होता है, तो ये मैं अभी अचार में निकालूंगी। मुझे ना अचार वाले मर्तबान बहुत अच्छे लगते हैं, नवीद वो लेके आना खन्नापुल से थोड़ा सा छोटा मर्तबान। तो इसकी भी पूरा प्रोसेस होता है अचार डालना, मैंने बचपन में सीखा है, जब वो कच्चे आम और हरी मिर्चें नींबू या जो भी आता था जिसका भी अचार डालना था, बेसिक तो यही होते थे। तो इनको धो के पहले अम्मी सुखाती थी धूप में, जब ये बिल्कुल सूख जाते थे फिर इनका मसालों का मैरिनेशन और वह सब स्टार्ट होता था, और फिर इसको वो बंद करके रख देती थी जब तक कि अचार पूरा रच बस ना जाए मसाला। तो ये बहुत एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये एक छोटा सा ऐसा तोहफा है जो हमारे बुज़ुर्ग ही हमें देते हैं, और मेरी हमारे अब कोई ज़्यादा मेरे इस तरह के बुज़ुर्ग नहीं रह गए जो मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के तोहफे दिया करें। तो कल मिलेंगे, सूट कल मैं आपको दिखाऊंगी, आज के लिए इतना ही। जीने के लिए
सोचा ही नहीं, दर्द संभालने हो।